तो चढ़ते पारे ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, इसकी एक झलक तो आपने देखी। अब आपको बताते हैं उस समस्या के बारे में जो बढ़ती गर्मी के साथ विकराल होती जा रही है। बिहार और झारखंड में सूरज की तपिश ने जलाशयों को सुखाना शुरू कर दिया है और बढ़ने लगी है जल संकट। भागलपुर में पानी की परेशानी से कैसे लोग हलकान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई देखने भी नहीं आता, चापाकल भी सारा सूख गया है। भागलपुर की जनता इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ हीट वेव से हाहाकार मचा है तो वहीं पानी की किल्लत भी मुंह बाए खड़ी है। जिले के वार्ड नंबर 50 और 51 में लोग पानी ना मिलने से परेशान हो रहे हैं। गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और इस सबके बीच जनता पर प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। दरअसल वार्ड में 4 प्याव हैं, जिसमें से 2 प्याव खराब हैं और 1 प्याव से गंदा पानी निकल रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। पानी का परेशानी हो रहा है, इटोला से उटोला पानी लेके जाना पड़ता है। कोई देखने भी नहीं आता, चापाकल भी सारा सूख गया है। महीना से करीब करीब समस्या ऐसा है कि पानी जो है न नहाने का न धोने का, यहाँ तक कि खाना बनाने का आफत है। पानी अभी दूसरे से लेना पड़ता है, इसीलिए जो है भारी समस्या है। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी समस्या से अनजान है। बार बार स्थानीय पार्षद के साथ ही निगम प्रशासन को भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन जनता की परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा लोगों के पास सुबह 4 बजे से पानी के लिए लाइन में लगने के अलावा कोई चारा नहीं। लोग घर का कामकाज छोड़कर पानी के लिए भाग दौड़ करते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है। पानी बहुत दिक्कत है हम लोग को, पर पैखाना जाने में खाली सब कुछ है। निगम प्रशासन की तरफ से कोई आया अभी तक आप लोग के पास? नहीं, वार्ड पार्षद को बोले तो पहले एक बार यही गया, इसमें मारपीट होता था, कहीं पानी की दिक्कत होता सब मारपीट करबे ना करेगा पानी के लिए। वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता की माने तो नगर निगम के आयुक्त को पानी की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द खराब प्याव की मरम्मत कराई जाएगी और जल समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा। कर की जो व्यवस्था है वो नगर आयुक्त महोदय के द्वारा संचालित की जा रही है और हमारे अनुरोध पे हमने निवेदन किया था नगर आयुक्त महोदय से कि हमारे वार्ड में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बोरिंग वहाँ जल गया है और बोरिंग ठीक कराने के लिए जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे मोटर फंस गया, तो इस कंडीशन में उस जगह पे नया बोरिंग होना है जिसका आवंटन नगर आयुक्त महोदय के द्वारा हो गया है। बहुत जल्द उसमें 10 से 15 दिन में वहाँ पे नया बोरिंग हो जाएगा। भागलपुर में पानी की समस्या नई नहीं है, न ही अधिकारियों का ये रवैया नया है, जहाँ वो सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप थमा देते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आश्वासन के बाद भी लोगों की परेशानी पर माननीयों का ध्यान जाता है या नहीं। भागलपुर से आलोक कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8, बिहार झारखंड।